हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह सुबह का समय है तो आप लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपना अपना ज़िंदगी में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मेरा बेटा को अभी स्कूल जाएगा तो सुबह सुबह रेडी कर रही हूँ, तो अभी इसको ही उधर नाश्ता बना ली हूँ बच्चों के लिए और टिफ़िन भी बना ली हूँ। फिर उसके बाद अभी इधर इसको रेडी कर रही हूँ, अभी सॉक्स पहना रही हूँ। तो अभी इस इतना नखरा करता है ना, ये नहीं पहनूँगी, वो नहीं पहनूँगा मम्मी, इतना बदमाश है ना, बहुत बदमाश है, इसीलिए इसको रेडी करने में बहुत समय लग जाता है। देखिए ना कैसे महाराज जैसा सोया हुआ है, बोल रहा है अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, चुपचाप मुझे पहनाओ, ऐसे ही करके बोलता है। और फिर इसको हम ऐसे ही करके पहनाते हैं, फिर इतना बदमाशी करता है ना, बहुत समय लग जाता है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। मेरा बेटा अभी 1 क्लास में उठ गया है। पहले तो बोलता था कि मम्मी स्कूल नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 1-2 दिन स्कूल गया ना तो बोल रहा है अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चों को खाली खिलाया जा रहा है स्कूल में, तो बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, अभी स्कूल जाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन कर रहा है स्कूल जाने का ही। तो फिर देखिए मोबाइल लेके बैठ गया है और खाने में भी मोबाइल, सब समय मतलब मोबाइल, एनी टाइम मोबाइल इसके हाथ में होना चाहिए, तब इसको शांति में बैठा हुआ रहता है। और इसको ये न्यू ड्रेस खरीद दिए हैं, बोलता है कि मम्मी न्यू ड्रेस नहीं पहनने का मन करता है, गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी लगता है इस समय मम्मी, 1 दिन धोने के बाद ये अच्छा से बैठ जाता है, लेकिन क्या करें अभी पहनाना ही पड़ेगा। तो इसको मैं अभी ये ड्रेस पहना रही हूँ। उसके बाद ये बस स्कूल जाता है तो बस स्टॉप भी जल्दी जल्दी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जल्दी गाड़ी आ जाएगा, गाड़ी छूट जाने से फिर इसको स्कूल तक छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए 10 मिनट पहले ही हम लोग इसको बस स्टॉप छोड़ देते हैं। फिर इसको फिर इसको मैं अभी रेडी कर दी हूँ, फिर अभी स्कूल जा रहा है, स्कूल छोड़ने के लिए इसको पापा बस स्टॉप तक छोड़ देंगे, फिर बस से स्कूल जाता है। तो मैं उसको स्कूल रेडी करने के बाद मैं अभी नाश्ता तो मेरा बन गया है सुबह के लिए, टिफ़िन और नाश्ता का सब्जी बना चुकी हूँ। अब मैं दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ। दोपहर में हम लोग 2 ही जन रहते हैं, हमारे मम्मी, तो थोड़ा सा सब्जी कुछ बना लेती हूँ, इसी में हो जाता है। तभी मैं पालक साग का सब्जी काट रही हूँ और इसको काटने के बाद इसको बनाऊंगी, दाल भात पालक साग बनाऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। फिर इसको काटते काटते, काटना तो इसको आसान ही है लेकिन धोना बहुत मुश्किल है, इतना बालू रहता है ना कि बहुत बहुत बार धोना पड़ता है, नहीं तो पूरा सब्जी में पूरा बालू बालू लग जाता है, इतना सारा मेहनत पूरा पानी में चल जाता है, इसीलिए अच्छी तरह से नहीं धोने से बालू लगता है। तो अच्छी तरह से इसको धोते हैं फिर इसको सब्जी बनाएंगे।
अभी सब्जी काट ली हूँ मैं, फिर उसको बाद में बनाऊँगी। अभी टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आज नाश्ता में मैं बनाई थी कढ़ी, कढ़ी का सब्ज़ी बनाई थी, इसी को टिफ़िन में ले जाएगा। और फिर इसके बाद यही हम लोग नाश्ता भी किए हैं, और दोपहर के लिए फिर पालक साग का सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर मैं नहा, अभी नहीं सब्जी नहीं बैठाई हूँ, अभी नहा धो के मैं थोड़ा सा मंदिर प्रणाम कर ले रही हूँ। अच्छे से अभी पूजा पाठ नहीं होता है, शाम का समय अच्छे से कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा सा धूप उप दिखा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं उधर खाना बनाने चल जाऊँगी दोपहर के लिए। तो मैं अभी थोड़ा सा भगवान को दियाबाती कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपना दोपहर का खाना बनाने के लिए। आज बृहस्पतिवार का दिन था, तो मैं भी नहा के आलता लगा रही हूँ, क्योंकि आलता लगाना चाहिए बृहस्पतिवार को, क्योंकि सुहागन के लिए शुभ होता है। तो मैं बृहस्पतिवार को आलता लगाती हूँ। फिर मैं अभी उधर मेरा काम हो गया, तो फिर मैं अभी दोपहर का खाना भी बनाऊँगी। फिर इसके बाद और उतना कुछ काम नहीं रहता है, बाबू आ जाएगा तो उसको खिलाऊँगी, फिर उसको सुलाऊँगी। फिर उसके बाद सो के उठने के बाद बाहर खेलने जाता है, फिर शाम को थोड़ा काम होता है फिर से, फिर उसको पढ़ाने बैठाऊँगी, नाश्ता वगैरह करवा के। उसके बाद